TSM वर्सेस गॉडलाइक, ये फाइट है तीसरे गद्दी की, वो जो तीसरा पायदान है उसकी। एंड देखते हैं कि यहाँ पर कौन विन करता हुआ नजर आएगा। गॉडलाइक केंद्रियो वो आगे जा जरूर से रहे, एमवीपी पूरे बीजीआईएस के हमें देखने को मिलते हुए। कैंड्री को मीनवेल वापस स्पॉट करके डाउन किया जाएगा, बट अभी भी गॉडलाइक वो जोन के अंदर तो आ चुके हैं, बट टीएसएम के ऊपर एक भी नॉक आया नहीं है। जॉनसन उनके ऊपर एक ग्रेनेड आएगा काफी करीब, बहुत ज्यादा डैमेज जरूर से इन्फ्लिक्ट किया, बट अगेन ओपनिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी। लेकिन एक और ग्रेनेड जाएगा जॉनसन के ऊपर, वापस से डैमेज दिया बट नॉक आएगा नहीं। AquaNoX काफी ज्यादा आगे मौजूद और सारी ये जो मूवमेंट है उसके ऊपर वो एक कड़ी निगाह रख जरूर से रहे हैं। लेकिन सर्कल अगला बनने वाला है। आप देखिए फर्स्ट एड डाली जा रही है, फेंकी जा रही है, क्योंकि नियो को जरूरत थी, उनको एक एक्स्ट्रा फर्स्ट एड चाहिए, उनकी एचपी है। लेकिन अगर बाद में दिक्कत है तो उस चीज के लिए अगला सर्कल टीएसएम के खेमे में जा सकता है। इनफैक्ट ओआर के वैक्सी भी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं और अगला जोन माय पॉइंट एक्जैक्टली टीएसएम के खेमे में जाता हुआ टीम्स को आगे की तरफ को मूव करना है। ऐसे में गॉडलाइक के प्लेयर्स तो आगे जाना ही चाहेंगे। रमला यहां पर आर ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को दिक्कत देना चाहते हैं। 122 मीटर इनके और जोन के बीच का जो फर्क है, जो फासला है, वो बन के बैठा हुआ है। वहां पर आर ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को भी पिक करने की कोशिश हल्की फुल्की चल जरूर रही है, बट ऐसे में गॉडलाइक और टीएसएम द मनी फाइट बेबी इट्स ऑन। ZGOD बगी लेकर के आगे जा रहे, बट AKONOKS उनकी रग रग से वाकिफ। ZGOD बिल्कुल सामने, बट क्या उनको देख करके यहाँ पर फाइट ली जाए, क्योंकि AKONOKS ही इज द मोस्ट वल्नरेबल वन इन दिस फाइट। अगर वो डाउन हुए दिक्कतों में पूरी टीएसएम आ सकती है, बट टीएसएम के बाकी प्लेयर्स एक सेंट्रल एरिया अराउंड दिस जोन होल्ड करके बैठ चुके हैं। एक्सो के सेंस से उनको भी डाउन किया जाएगा। देखते हैं कि AKONOKS की जो पोजीशन है वो वहां पर रिवील हो पाएगी नहीं। टीएसएम के बाकी के तीन खिलाड़ी थोड़ा अंदर की तरफ मौजूद है। सेंस से चलिए उनको रिवाइव यहां पर देने की कोशिश पूरी रहने वाली है। आर ई स्पोर्ट्स के जो एक खिलाड़ी नॉकआउट, उनका फिनिश भी सिक्योर हो सकता है। सेंस से को मीनवाइल वहां पर फिनिश